जबलपुर की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1 लाख के अवैध गांजे की खेप खपाने के पहले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पूरा मामला जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग सेठी नगर MGM स्कूल के पास गांजे की बड़ी खेप ठिकाने लगाने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाने का स्टाफ तत्काल हरकत में आया और मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर घेराबंदी करते हुए बताए हुए हुलिये और कार के नंबर के आधार पर दो लोगों से पूछताछ करते हुए वाहन की तलाशी ली गई। कार की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरी में 10 पैकेट में गांजा भरा मिला। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए अवैध गांजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई। बहरहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। सिटी भारत से शोभित घारू की रिपोर्ट, जबलपुर। दिनांक 8/6/2020 को हमको सूचना प्राप्त होती है कि MGM स्कूल के पीछे दो व्यक्ति हैं, जो कि एक कार खड़ी हुई है और उसमें गांजा होने की सूचना है। जब हमारी पुलिस मौके पर जाती है, उसमें दो व्यक्ति सवार मिलते हैं, तो हम उसकी डिग्गी खुलवाते हैं उनसे। जब डिग्गी खोली और पतासी करते हैं उनकी, तो उसमें हम पाते हैं कि एक बोरी में लगभग 10 पैकेट में 9 किलो 300 ग्राम गांजा हमको प्राप्त होता है। और जब उनका नाम पता पहुंचा, तो उन्होंने अपना नाम बालाघाट का निवासी बताया और अजय पटेल और अभिलाष पटेल अपना नाम बताया। और जो उसकी कीमत है, इसकी मसूका की जो कीमत है 1 लाख रुपए है, और हमने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली है। 826 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को हमने कोर्ट में पेश कर दिया है।